क्या करेगी वहाँ? खेलूंगी, मजे करूंगी। अच्छा अच्छा क्या मांगोगे आप? जो भी जो भी। हाँ, देखो मेरे पास। अच्छा इधर आ। हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, हम सब मस्त हैं और आज हम जा रहे हैं सेक्टर 4, वहाँ लगता है मार्केट। तो कुछ हमें सामान खरीदना है और थोड़ा नैना का कब से हो रखा है पार्क जाना है, तो फिर उसे भी थोड़ा बहुत उधर घुमा लेके आएंगे। स्वर्ण जयंती पार्क है उधर पास में, तो उधर लेके जाएंगे, है ना। और नैना हो चुकी है रेडी, मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। आ जा नैनो, क्या निकाल रही है? बस हो गया तुम्हारा? तो गाइज, ये भी हो चुके हैं रेडी नहा धो के और अब हम निकलते हैं। तो गाइज, बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक, दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हो रखा है उस साइड में। क्योंकि पहले जब हम सुभाष नगर रहते थे तो आना जाना रहता था उधर। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं स्वर्ण जयंती पार्क और हमें ना अंधेरा हो गया, 7:30 हो गए हैं। क्योंकि यहाँ सुभाष नगर में मेरे ससुराल के कोई रहते तो हम उन्हें मिलने चले गए थे, तो थोड़ा वहीं बैठ गए हैं। तो फिर नैना को लेके आई गई झूले में, इधर पार्क में लेके तो झूला झूलेगी। तो इधर गए हैं उसके पापा और नैना भी, और यहाँ ना अच्छे झूले लग गए। पहले ना बीच में हम आए थे 6-7 महीने पहले, तो टूट गए थे। यहाँ पे एक ये लग चुका है और 2 इधर है, आप देख सकते हो। अंधेरे में तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, कुछ बच्चे उधर झूल रहे हैं, कुछ इधर झूल रहे हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं बाद में जब नैना जाएगी। मैं अभी यहाँ पर नैना को लेके गए उसके पापा। तो गाइस, नैना झूल रही है अभी वाला, तो 8 बजने वाले हैं और आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ हो रखी है। क्योंकि यहाँ पे पास में ना मार्केट है इधर रोड के पास, तो आज मार्केट आ रखे हैं। वैसे भी संडे है तो सब बच्चों को लेके इधर आ रखे हैं। और अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ना ये लड़ी भी लगा रखी है तिरंगा कलर की, तो ग्रीन रेड और वाइट। पहले हमने यहाँ पर नैना की फ़ोटो वोटो खींची। नैना, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो गाइस, नैना बैठ गई है अभी झूले में। सही तो बैठी है, सही बैठी है। और पहले ना इस पार्क में बस एक ही था ये, और एक अब वहाँ पे लग गया है यहाँ पे, और एक इधर यहाँ पे भी झूल रहे हैं बच्चे। जब दिल्ली जाते हो तब जाते हो, क्योंकि दिल्ली में ही पार्क है ना। तो गाइस, हम पहुंच गए घर। अब मैं बबल फुला रही हूं, अब मैं बबल फुलाई हूं मार्केट से। हैं फुलाओ सही से। लव मैं फुलाओ गिरा देती हूं, उसे नहीं आता फुलाने। लव मैं फुलाता हूं फुला देने। अबे सब निकल गए, निकल गए। तो गाइस, हम पहुंच गए घर और 9:10 हो गए। अब बनाऊंगी मैं डिनर, तो आज थोड़ा लेट ही खाएंगे, क्योंकि वैसे तो हम 9 बजे तक खा लेते हैं। तो आज
लेट हो गया क्योंकि वहीं थोड़ा पार्क गए, उसके बाद मार्केट गए, सामान सामान लेके आए हैं। तो नैना लाई लेके आई है बबल। क्या हुआ? अरे लग जा रहा है उस पर, नहीं निकल रहा, इससे निकालो ना, मैं निकाल लेती हूँ। अरे दे दो पहले उस पर। और अब वो दोनों खेलेंगे, मैं बनाऊंगी डिनर। इधर ला इसे, इधर ला। और मैं लेके आई हूँ मेहंदी क्योंकि कल है मेरा सावन का फर्स्ट वाला फूल है। रुक जा। और उस खाना खा के मैं लगाऊंगी मेहंदी। मैं भी। और कौन लगाएगा? पापा भी लगाएंगे? नहीं। और नैना लगाएंगे? लड़के नहीं लगाते? लगाते हैं। तो किसने बोला लड़के नहीं लगाते? मैम ने। अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हो नैना सो गई है और हम लगा रहे हैं मेहंदी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि खाना खा के डिनर करके हम लगाएंगे मेहंदी। तो एक हाथ पे तो मैंने लगा दिया है, सूख भी गया हल्का फुल्का, तो उससे मैंने फ़ोन पकड़ा है। तो नैना भी सो गई, अपने आप सो गई थी यहाँ पे, उसके पापा ने सुला दिया उसे थोड़ा थप थपा के। और ये लगा रहे हैं दूसरे हाथ पे मेरी मेहंदी। तो जब डिजाइन बन जाएगा मैं दिखाऊंगी कैसे डिजाइन बना रखा है इन्होंने। अरे तो मतलब पूरा पड़े क्योंकि डिजाइन में वह ऐसे बना दे, गोल चक्कर बना देना बस। ये देख ले लपाड़े रहे बारीक है ना, खिचड़ी बनाया। तो गाइस जब ये पूरा हाथ भर जाएगा मेरा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे डिजाइन बना रखा है इन्होंने। और टाइम हो गया 11 बज गए हैं। तो गाइस मेहंदी लग के हो गई है तैयार। तो इस पे तो मैंने लगाया जो भरा भरा हुआ हाथ है, और ये फ्लावर इन्होंने बना रखा है इसमें। तो ये पूरा हाथ इन्होंने डिजाइन कर रखा है मेरा, और ये तो मैंने खुद किया है। तो वैसे तो मुझे लगता है यही अच्छा रचेगा क्योंकि इन्होंने मोटे मोटे लगा रखे ना, और मैंने बारीक से, तो पतला तो कम ही रचता है और ये सही रचेगा, तो सुबह ही पता लगेगा। तो गाइस आज के ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।